भारतीय रेलवे ने इसरो के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है कि अब आपको ट्रेन की स्थिति यानी कि रियल टाइम रिपोर्टिंग आसानी से हो पाएगी। दरअसल रेलवे ने अपने इंजन को इसरो के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट से जोड़ दिया है, जिससे सैटेलाइट से मिली जानकारी से ही ट्रेन के बारे में पता लगाना, उसके स्टेशन पर पहुंचने और वहां से जाना खुद ब खुद दर्ज होना आसान हो गया है। ये सब कुछ संभव करने के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली यानी RTIS के तहत रेल इंजन में इस डिवाइस को लगाने का काम भी तेज कर दिया है। अगले महीने तक 1700 रेल इंजन को इस तकनीक से लैस कर दिया जाएगा, यानी सभी दिशाओं में चलने वाली ट्रेनों की अब रियल टाइम रिपोर्टिंग होनी आसान हो जाएगी। इसरो के उपग्रह आधारित रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाने से यात्रियों को कई रूट पर चलने वाली ट्रेनों के टाइम टेबल की जानकारी हासिल हो पाएगी। RTIS के जरिए रेलवे ट्रेनों की लगातार मॉनिटरिंग करेगा। यही नहीं, कोहरे के दौरान धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की जानकारी भी यात्रियों को सही सूचना के तौर पर मिल पाएगी। ऐसे में रास्ते में अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो ट्रेन के लोको पायलट से सीधा संपर्क स्थापित कर कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। सभी ट्रेनों में इस डिवाइस के लगने से कोहरे के दौरान ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण यात्रियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ट्रेनों को परिवर्तित समय से चलाने की जानकारी भी यात्रियों को पहले से ही मिल जाएगी। इससे यात्री अनुमानित समय मिलने और ट्रेनों के लेट पहुंचने की वजह से परेशान नहीं होंगे। इसके अलावा समय सारणी डिस्प्ले बोर्ड पर भी ट्रेनों की वास्तविक जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा पूछताछ केंद्र और अनाउंसर भी वास्तविक जानकारी ट्रेन के मुसाफिरों को देंगे। अभी तक दिल्ली मुंबई दिल्ली गुवाहाटी राजधानी ट्रेनों के इलेक्ट्रिक इंजनों में सफल परीक्षण के बाद रेलवे ने इन सभी ट्रेनों के इंजन में इस डिवाइस को लगाने का काम शुरू कर दिया है। पहले फेज में कुल 2700 इलेक्ट्रिक इंजन में GPS से लैस इस डिवाइस को लगाने का फैसला लिया गया। अगले महीने तक 1700 इंजन को इस सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। रेलवे ने 6700 रेल इंजन को भी इस डिवाइस से लैस करने का खाका तैयार कर लिया है। फिलहाल तो बतौर पायलट प्रोजेक्ट राजधानी ट्रेनों में RTIS परीक्षण के दौरान ट्रेनों के आने और जाने में 99.3% तक सटीक जानकारी मिल रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक GPS एडिट जियो संवर्धित नेविगेशन प्रणाली तकनीक की बदौलत ऑनलाइन ही ट्रेन परिचालन अधिकारी इस GPS डिवाइस के माध्यम से ट्रेनों की आसानी से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।